सर मुझे बड़ा दुख हो रहा है सर, सदन में जब रोड ट्रांसपोर्ट की चर्चा हो रहे हैं तो हमारे ज्ञानी और वरिष्ठ नेता और हमारे सांसद दुबे साहब ने रोड से चले गए यूक्रेन, और यूक्रेन में पुतिन साहब का जो बमबारी चलते हैं उसको समर्थन कर दिया, और वो कह रहे हैं कि पुतिन साहब ठीक कर रहे हैं। मैं पूछना चाहते हैं कि सरकार का ये रवैया है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा देश वासुदैव कुटुंबकम की बात करते हैं, हमारा देश वासुदैव कुटुंबकम की बात करते हैं। अगर पुतिन को हम ये सदन में पैरोवी करें तो शी जिनपिंग को भी पैरोवी करना चाहिए, और लद्दाख की अतिक्रमण को मानना चाहिए, अरुणाचल के अतिक्रमण को मानना चाहिए। ये क्या हो रहा है इस सदन में? मैं सरकार को पूछना चाहते हैं, मैं सरकार को पूछना चाहते हैं कि ये यूक्रेन पे का हमला समर्थन को बोले सर, लाखों की तादाद में लोग पलायन कर रहे हैं, तबाह हो रहे हैं सर यूक्रेन सर, बच्चे पूरे बोले आप घर छोड़ कर रिकॉर्ड में आएगा। आप दोनों का कोई का रिकॉर्ड में नहीं आ रहा, आप इस विषय पर बोले, आप तो इस विषय पर बोले। ये चर्चा की दौरान था इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसको एक्सपांड किया जाए सर, मैं चाहता हूँ ये एक्सपांड किया जाए, क्योंकि सर उन्होंने कहा इसलिए मैं। कोई माननीय सदस्य जिस विषय पर है उस विषय पर ही बोले, विषय से इधर उधर नहीं हो। यार मैं ये मालूम नहीं कि इंटरनल और एक्सटर्नल बजटरी रिसोर्स से की आपको जरूरत क्यों नहीं होते, लेकिन ये इसमें स्पष्ट होते हैं कि सरकार बजटरी सपोर्ट के दौरान सारे विकास करना चाहते हैं, क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इसमें सिर्फ 30,000 रखा गया, जबकि केलकर कमेटी की जो ऑब्जर्वेशन ये है कि हमारे देश में एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी अपनाना चाहिए, जैसे कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बढ़ोतरी हो। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं होते हैं? इसलिए कि इनकी जेस्टेशन पीरियड काफी ज्यादा लंबी होते हैं, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के चलते ये प्राइवेट इन्वेस्टर जो है इनका बार्गेनिंग पावर उतना ताकतवर नहीं होते, और सारे दिक्कतें हैं, इसलिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर पे नहीं होते। हम जानते हैं कि हमारे दबर नेता नितिन गडकरी जी जरूर इस विषय पे सोचेंगे सर। रोड ट्रांसपोर्ट हम जानते हैं कि हमारा देश की 90% जो हमारे मतलब कंट्री की इट इज एस्टिमेट टू हैंडल 90% पैसेंजर और 69% फ्रेट ये रोड पे हम लोग कैरी करते हैं। सर मैं दो तीन छोटे छोटे मुद्दे उठाना चाहते हैं कि अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी रिपोर्ट ऑन एक्सीडेंटल डेथ एंड सुइसाइड इन इंडिया 2020, ट्रैफिक एक्सीडेंट इन द कंट्री स्टैंड एट 368.828 इन 2020। दिस ट्रैफिक एक्सीडेंट रिजल्टेड इन इंजुरीज टू 336.248 पर्सन एंड 146.354 डेथ ड्यूरिंग 2020। ये अनटेनेबल है, मतलब हर घंटे हमारा देश में 35 ऐसा हादसा होते हैं और हर 4 मिनट में एक मौत होते हैं। ये क्वाइट अनटेनेबल है, इसलिए कि इस तरीके की घटना ना घटे इसलिए हम लोग ब्रासिलिया डिक्लेरेशन में दस्तखत किया था। ब्रासिलिया डिक्लेरेशन के मुताबिक हमें हादसे के चलते रोड हादसे के चलते मौत आधा होना चाहिए था, उसमें हम फेल कर चुके हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए सरकार, हमें थोड़ा बताइए, क्योंकि बचाने के लिए कम से कम जो रेस्पॉन्स टाइम होना चाहिए ये रेस्पॉन्स टाइम अभी उपलब्ध नहीं होते हैं, जिसको कहते हैं कि गोल्डन आवर। आप ये कह सकते हैं मंत्री जी कि हमारा एनएच पे और जहां जहां आप रास्ता बना रहे हैं वहां ट्रॉमा सेंटर कितने बना रहे हैं आप? ट्रॉमा सेंटर अगर नहीं बनाए गए तो ये गोल्डन आवर बचाने के लिए हादसे के बाद ये उपाय आपको नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग ये देखते हैं कि हमारा देश में इस चलते जो हमारे जीडीपी के नुकसान होते हैं वो 7.5% जीडीपी की मतलब 12 लाख करोड़ से ज्यादा जीडीपी को हम नुकसान करते हैं, क्योंकि ये हमारा देश की ये रोड के चलते जो अभी भी चूक है, जो गलतियां है, ये हम सुधर नहीं पा रहे हैं सर। इसमें और एक चीज देखना है
से ज्यादा गरीब लोगों की मौत होते हैं। मान लीजिए जो रोड की हादसा होते हैं रूरल एरिया में 66% इसका हिस्सा होते हैं, और मतलब गरीब लोगों की घर पे एक रोजगार लोग अगर मर जाते हैं हादसा में, उसको देखभाल करेंगे कौन, उसको बचाएगा कौन? सर इसलिए मैं सरकार को ध्यान आकर्षण करते हुए कह रहा है कि हमारा देश में तकलीफ इस बात की है कि 1951 में जब हमारा आजादी हुई, आजादी के कुछ साल बाद हमारा देश में सारे रोड की लेंथ है 0.3 मिलियन, अभी हो गया 300 मिलियन किलोमीटर गाड़ी की आबादी जब 1951 में थे 0.3 मिलियन, अभी हमारा गाड़ी की आबादी हो गए 300 मिलियन, वो भी 2019 के हिसाब के मुताबिक अभी और भी बढ़ गए हैं। 1951 में हमारा देश में रोड की लेंथ है 40,000 किलोमीटर, अभी वो बढ़ के हो गया 63 लाख से ज्यादा किलोमीटर। मतलब रोड की लेंथ हमारे आबादी की तुलना में, आबादी की जो बढ़ोतरी होते हैं, आबादी की जो इजाफा होते हैं, उसके साथ साथ हम रोड बनाना नहीं सकते। और अभी भी हमारे सब्जेक्ट टू करेक्शन 55% 2 लेन होते हैं, 24% 4 लेन होते हैं। मतलब बहुत दूर जाना बाकी है। ताली बजाना तो आसान होते हैं लेकिन वास्तविकता को, हकीकत को हमें समझना पड़ेगा। सर हमारा नेशनल हाईवे में जिसका फीसदी होता है 2.03% टोटल रोड नेटवर्क में, उसमें हमारा डेथ होता है 35.7%, स्टेट रोड की हिस्सा होता है 3.01%, लेकिन उसमें डेथ होता है 24.8%। और ट्रैफिक कंजेशन, ये हमारे देश के और एक दिक्कतें हैं। ये ट्रैफिक कंजेशन के लिए सिर्फ 4 सिटी की बात करते हैं हम, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कलकत्ता में सिर्फ ट्रैफिक कंजेशन के लिए ये 4 सिटी में सालाना हमें नुकसान होते हैं 1,47,000 करोड़ रुपया। तो इसलिए ये सारे चीज को हमें मद्देनजर सोचना पड़ेगा। और ये आप जानते होंगे मंत्री जी कि हमारे देश में और एक मुश्किल है, वो ये है कि डीलेज होते हैं। हर जो काम आप लेते हैं, मैं ये नहीं मानते कि आप काम नहीं लेते, लेकिन डीले होता है ये काम को समाप्त करने के लिए। और ये डीले के चलते हमारे गाड़ी जो चलते हैं उस समय वेयर एंड टियर होते हैं, हमारे फ्यूल कंजम्पशन बढ़ जाते हैं, हादसा भी बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हमें इस पे थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। सर मैं और एक बात करना चाहता हूँ, यहाँ हमारे नॉर्थ ईस्ट के बंधुओं ने बात कर रहे थे, मैं उनको ध्यान देना चाहते हैं कि धोला सदिया, ये जो लोहित रिवर के ऊपर जो ब्रिज, लॉन्गेस्ट ब्रिज इन आसाम, वो हमारी जमाने, मतलब यूपी के जमाने शुरू हुई थी। मैं ये नहीं कहते कि आपने कुछ नहीं किया, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये जो जोजिला जो पास निकाला गया, जोजिला रोड, ये बाई डायरेक्शनल जो टनल निकाला गया, वो भी हमारी यूपी के जमाने में अप्रूव हुआ था। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कोई सरकार यूपी के रहे, कभी सरकार एनडीए के रहे, वो अलग बात है, लेकिन यूपीए कुछ नहीं किया, सारे एनडीए कर रहे हैं, ये बात कहना ये जरूरत से ज्यादा मतलब चाटुकारिता होगी और कुछ नहीं होगा।